नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मचिन भाई प्रथमे देखिबा हेडलाइंस पुरी गस्तरे बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी सिंह द्वारा सम्मुखरे पति तपावन को दर्शन सह पूजा अर्चना बगला जमी बिक्री को निंदा करबा सह मंदिर खोलबा को दाबी कले राज्य प्रभारी केबे खोलिबो श्रीमंदिर आज छतीसा निजोग बैठक रे हेबो आलोचना पहिली भोग मकर संक्रांतिर नीति संपर्क रे मध्य निष्पत्ति गंजामे बड़धरण समवाय स्काम नकली सुना बंधक रखी कोटि कोटि टंका हड़ बैंक मैनेजर बणियां मिलीभगत चली कारबार अभोग पर खोलताड़ आरंभ कोरापुटर 70 लाख टंकार गंजेई जबत बाहर राज्य को चालाण बेले गंजेई जबत कला पुलिस सेपटे कंधमाल गंजामे विपुल गंजेई नष्ट कला अबकारी टीम शेषे राज्य में केते सुरक्षित शिशु शिशु निखोज को नहीं आसला सांघातिक चित्र अनुगुलर विभिन्न चाइल्ड होम रु शिशु निखोज ठाव करिवारे विफल होछि पुलिस परी मुस्कान योजना नहीं उठला प्रश्न तबे बुलेटिन आरंभ करबा बीजेपी रो सांबादिक सम्मेलन रो वर्तमान बीजेपी राज्य बीजेपी सांबादिक सम्मेलन आरंभ करिछि एवं सांबादिक सम्मेलन रो पूरा सीधा सरको दृश्य आपण माने देखु छथि प्रभारी प्रथम प्रेस सामने रे राष्ट्रीय साधारण संपादक छत्तीसगढ़ प्रभारी ओडिशा प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी को अनुरोध कर प्रेस वार्ता को आगे ने सबको मेरा सादर प्रणाम संगठनात्मक दृष्टि से मुझे ओडिशा की प्रभारी घोषित करने के बाद पहली बार मैं 3 दिन के दौरे पे यहाँ आया हूँ। यहाँ सबसे अपना परिचय देना और सबके परिचय मुझे लेना था। इन 3 दिनों में मैं सभी से मिली, पार्टी के जो नेता थे सभी से मिली, जिला अध्यक्षों से मिली, कोर कमेटी मेंबरों से मिली, पदाधिकारियों का बैठक हुआ। वैसे जो भी नेता मुझसे बात करना चाहते थे उन सब से भी मैं अब भी मिल रही हूँ। पूरी जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से हम सब यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनके जो अब भी उभर कर आई है वो और भी स्ट्रेंथन हो और 2023 में भगवान जी के आशीर्वाद से हम सत्ता में आ सके, ऐसा हमारा प्रार्थना है पूरी जगन्नाथ जी से। 2014 में जब भारत देश में जब चुनाव हुआ था तब किसी को ये विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पैमाने में सीटें जीत के सत्ता में आएगी। सभी लोग यही कहे कि 120 जीते तो जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। पर उस दिन जब भारत देश के जो परिस्थिति थी उस पर अगर नजर डालेंगे तो बहुत बड़े पैमाने में वहां करप्शन था और सुशासन की नाम ही नहीं था, जिसके वास्ते भारतीय लोग एक बदलाव चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए थे। 280 सीट्स मिले थे हमको। 2019 में जब चुनाव हुई थी तब भी लोगों को विश्वास नहीं था कि हम बहुत बड़े पैमाने में सीट जीतेंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2014 में सबके साथ सबका विकास का जो नारा लेके लोगों के सामने आया और उन 5 सालों में जो वादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिया उसको निभाते हुए सुशासन जो दिए देश को उसको नजर में रखते हुए 2019 में 303 सीट्स
303 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता के अनूह्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने आशीर्वाद दिए थे, और 219 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास भी। इसलिए विश्वास जोड़े क्योंकि जो 5 साल में जो वादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को किया था उन सबको निभाने के वास्ते सबका विश्वास भी जोड़ के नारा लेके लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी आई थी और बहुत अच्छी जीत हासिल कर सकी थी। केवल दो पार्लियामेंट मेंबरों से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रस्थान शुरू हुई है, अब हम 303 सीट जीतने तक हम आ गए हैं, और ये सब श्रेय जाता है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिनको बिना विश्वास के कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्पण कर दिए थे। तो पूरा श्रेय उनको जाता है, और उनके साथ हमारा नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वो सब जिस कुशलता से हमको हैंड होल्डिंग किए उसी की वजह से हम इतना बड़ा जीत हासिल कर पाए। इन 6 सालों में अगर एक बार आप मुड़ के देखोगे तो जैसे मैंने पहले कहा, जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी देश के प्रजा को दिए थे उसे निभाते हुए हर एक कार्यक्रम हर एक प्रोग्राम आगे लेके आई। भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि समाज में जो गरीब है, जो दबके हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उन सबको अगर हम आगे लेके जाएंगे साथ में तभी हम भारत देश की प्रगति हम हासिल कर सकते हैं, ये ऐसी विश्वास भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसीलिए सभी प्रोग्राम आप जनधन योजना देखो, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, अटल बिहारी पेंशन योजना, मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, इंद्रधनुष योजना, किसी भी प्रोग्राम पर आप नजर डालोगे तो हर एक कार्यक्रम केवल इस देश के गरीबों और दबके हुए लोगों को वेलफेयर देने के वास्ते ही आगे लेके आ गया है, ये आपके समझ में आएगा। अब हम ओडिशा में हैं, हम ओडिशा के भी बात करनी चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हर एक दिए हुए वादे को निभाते हुए आगे जा रही है। यहाँ स्पष्ट नजर आता है कि जो बीजेडी हर एक बार चुनाव होते समय वादा करते हैं अपने लोगों को, कहीं पे भी उसको निभाते हुए नजर नहीं आती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ, 2014 में बीजू जनता दल ने यही वादा किया कि हम पक्का घर बना के देंगे यहाँ के गरीब लोगों को, कच्चे घर जो है उसे हम पक्का करेंगे, ये 2014 में उन्होंने वादा किया था। फिर 2019 में जब चुनाव हुआ उसी वादे के साथ आगे आए कि अब जो कच्चे घर है उन सबको हम पक्का कराएंगे, यानी कि 2014 से लेके 2019 तक आपने अपना जो वादा था पक्के घर बनाने का उसे नहीं निभाए, ये स्पष्ट नजर आता हमको। अब भी कहते हैं कि कच्चे घर को हम पक्के घर में बदल देंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 लाख घर अब भी बनानी है। ये कैसे सुशासन होगा, ये कुशासन है, ये लोगों को समझना है। वैसे ही अगर हम लोगों के स्वास्थ्य पर एक नजर डालेंगे तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी प्रोग्राम लेके आई आयुष्मान भारत, जिसमें जो भी देश में गरीब है उन सबको 5 लाख रुपए तक मेडिकल असिस्टेंट दिलवाने का एक बृहत्तर कार्यक्रम केंद्र प्रशासन ने आगे लेके आया। यहाँ ओडिशा में ओटीएफ नाम के एक प्रोग्राम थी इससे पहले, पर जब आयुष्मान भारत लेके आए
तो यहाँ के मुख्यमंत्री ओटीएफ को बंद करके यही बोले कि हम बिजु स्वास्थ्य योजना लेके आएंगे जिसके तहत हम गरीबों के स्वास्थ्य दिलवाएंगे हम, पर वो हो रहा है क्या? जितना रुपये हर एक हॉस्पिटल को देना है इतना कम रखे कि गरीब किसी हॉस्पिटल में जाना छोड़िए, कोई भी हॉस्पिटल अब इस स्वास्थ्य योजना में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये आप सबको मालूम है। हम यही पूछते हैं नवीन बाबू से कि जो आयुष्मान भारत जो देश के गरीबों को स्वस्थ देने का कार्यक्रम प्रशासन लेके आया है केंद्र का, आप क्यों नहीं लिए? आप गरीबों का वेलफेयर नहीं चाहते हो क्या? उसकी भलाई नहीं चाहते हो क्या? आपको गरीबों को जवाब जरूर देना है। वैसे ही आपने यही ये भी वादा किए कि उड़ीसा में सभी को हम पीने का पानी नल के थ्रू देंगे, पर हम आज पूछना चाहते हैं नवीन बाबू से कि कितने घरों तक आप ये नल का पानी लेके गए? आज भी उड़ीसा में 1250 गांव ऐसे हैं, पंचायत ग्राम ऐसे हैं जहां का पानी पीने तक लायक नहीं है, मिलना छोड़िए पीने तक लायक नहीं है, और 1500 ऐसे गांव हैं जहां पे आपने पाइपलाइन ही नहीं लेके गए। तो किस वादे की बात करते हो आप? किस शासन की बात कर रहे हो आप? इसका जवाब जरूर उड़िया के लोगों को नवीन बाबू को देना ही है। और वैसे ही किसानों के मुद्दे पे आएंगे, किसानों पे जो जो बिल केंद्र प्रशासन लेके आया उस पे इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं सबके सब अपोजिशन पार्टियां। हम यहाँ के प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं या यहाँ के किसानों को यही पूछना चाहते हैं कि कौन किसानों का हित चाहता है, केंद्र प्रशासन या प्रदेश का प्रशासन? क्योंकि अगर यहाँ प्रदेश में जो हो रहा है अगर आप एक बार देखोगे उस पर नजर डालोगे तो कालिया नाम के एक प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया था कि प्रदेश का प्रशासन। कालिया क्या होता है? केंद्र सरकार 6000 रुपये देती है हर साल यहाँ के किसानों को, वो तो आ रही है उनके बैंक के अकाउंट में, पर जो 4000 रुपये कालिया प्रोग्राम के अंदर प्रदेश सरकार को देना है अब तक वो नहीं दे रहे हैं। पहले उन्होंने यही बताया कि यहाँ 35 लाख फार्मर्स हैं, फिर उसको घटाते 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 आज 21 लाख बता रहे हैं, यानी कि आपके यहाँ एन्यूमरेशन ही ठीक तरह से नहीं हुआ, ये स्पष्ट रूप से हमें जान पड़ता है। और यही नहीं आपने कहा कि अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे और मुझे सत्ता पे लेके आओगे तो 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई के पानी दूंगा, हर साल मैं 25% बढ़ाते बढ़ाते मैं 5 साल के अंदर 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई का पानी दूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है उनसे, उड़ीसा के किसान पूछ रहे हैं नवीन बाबू से कि आप इन सालों में जब तक आप सत्ता में आने से लेके अब तक कितने लाख हेक्टर को आपने सिंचाई के पानी दिया, आपको जवाब देना पड़ता है। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखने पर भी आपको सुस्पष्ट यही समझ में आता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। महिलाओं की तस्करण होती है, महिलाओं पर बलात्कार होता है। मैं नयागढ़ गई थी परसों, वहाँ एक 5 साल की बच्ची जिस क्रूरता से उसकी हत्या हुई, समशीलता से यहाँ के प्रदेश सरकार को रेस्पॉन्ड करने के बगैर जो हत्यारे हैं उनके खुद के मिनिस्टर अरुण साहू उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और अभी तक नवीन बाबू इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सी संरक्षण की बात कर रहे हो आप? आप चुनाव लड़ते वक्त यही बोले कि 4.5 करोड़ लोग मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चों की तरह मैं उसका संरक्षण करूंगा,
नवीन बाबू से यही पूछना चाहते हैं हम बहुत विनम्रता से कि क्या वो छोटी सी बच्ची परी जो 5 साल की है वो इन 4 करोड़ में से नहीं है? आपके बच्चे है कि नहीं? आपको तो जवाब देना है। हमने उनकी माता पिता से मिलके आए, वो मांग रहे, वो खुद असेंबली के यहाँ आके सेल्फ एमुलेशन को ट्राई करे थे वो लोग, ताकि न्याय मिले अपने बच्ची को। पर कहाँ का न्याय की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि लोग, उड़ीसा के लोग नवीन बाबू पर विश्वास करते हुए बीजेडी को वोट दिए। किसी यहाँ किसी अफसर बाबू को वोट नहीं दिए, यानी कि यहाँ का शासन नवीन बाबू को करना है, आपके अफसर नहीं। तो इसका भी जरूर नवीन बाबू को रिप्लाई देना ही पड़ेगा। और यहाँ का जो करप्शन है, कितने कितने बड़े पैमाने में यहाँ करप्शन होती है सबको पता है। कोल का स्कैम है, फॉरेस्ट का स्कैम है, चिट फंड का स्कैम है, लैंड का स्कैम है, जिस पे भी देखो हुए स्कैम ही स्कैम है। तो ये सुशासन कैसे होगा? इसलिए मैं बोली उड़ीसा में सुशासन नहीं, कुशासन चल रहा है। यहाँ पे आपके खुद के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, जो सिटिंग एमएलए है गोपालपुर से, श्री प्रदीप पाणिग्रही जी, उनको खुद अरेस्ट किया गया फोर्जरी और क्रिमिनल केसेस के अंदर। आपके जो बीजेडी के जो लोकसभा एमपी है मयूरभंज से, रामचंद्र हंसता जी और दो एमएलए भी, नाम मेरे अभी याद नहीं आ रहे, उनको भी चिटफंड स्कैम में, तो उनको भी अरेस्ट किया गया है। और अत्तागढ़ प्रांत में वहाँ के किसानों का कहना यही है कि आपके मिनिस्टर राणेंद्र प्रताप स्वयं का भाई खुद वहाँ के किसानों के लोन के स्कैम में वो खुद जुड़ा हुआ है। और जो मैं कही परी की हत्या जो किया, वो खुद अरुण साहू के जान पहचान वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं। तो इतनी करप्शन जब यहाँ उड़ीसा में हो रही है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हुए केंद्र स्तर पर 6 साल हो गए, पर कोई भी एक भी उंगली उठा के ये नहीं कह पाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा भ्रष्टाचार करे या उनके मंत्रिमंडल के मंत्री कोई भ्रष्टाचार करे। इतनी सुशासन हम देश को दे रहे, इसलिए हम यही विनती करते हैं यहाँ के लोगों से कि एक बार जागिए, समझिए। और भारतीय जनता पार्टी जैसे जो अच्छा पार्टी है, जो खुद लोगों का संक्षेम चाहती है, वेलफेयर चाहती है, ऐसे पार्टी को आप आशीर्वाद दीजिए। आगे के समय हम सब केवल राजनीतिक तौर पर ही नहीं, हर एक पार्टी चाहती है कि हमें सत्ता पे आना है। हम भी चाहते हैं उड़ीसा में सत्ता में आना है भारतीय जनता पार्टी को, पर दूसरे पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी अलग है, क्योंकि हर एक पार्टी सत्ता में केवल अधिकार के लिए आना चाहती है, पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लोगों का सेवा करने के लिए आना चाहती है। यही मैं स्पष्ट करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। नहीं, ये तो मेरा पहला दौरा है और संगठनात्मक विषयों पर मैंने पूरा ध्यान दिया। इसके अंदर यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जिसके वास्ते मेरे समझ में ये सब आए हैं, उन पे भी थोड़ा सब लोगों यहाँ के नेताओं ने मुझे बताए। और पहले हमें संगठनात्मक रूप से हमारे पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। और ऐसे तो मोदी जी के वजह से ही 6 साल से भारत में भी बीजेपी का सरकार है। आपका बीजेपी का फेस कौन है? अगर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीजेपी का फेस कौन है? देखिए, ये बीजेपी का फेस यहाँ बैठ के फैसला नहीं होता। हमारा एक प्रोसीजर होता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वहाँ पे चर्चा होता है और चर्चा करके वहाँ निर्णय करने के बाद ही हम बताते हैं। इसलिए ये मत समझिए कि हम यहाँ बैठ के चर्चा कर सकते हैं। ओके, जेपी नड्डा जी के ऊपर वेस्ट बंगाल में आक्रमण हुआ और यहाँ पे आप घूम रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं वेस्ट बंगाल और यहाँ के जो
रहे ना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? इतने महिलाओं की तस्करण हो रही है, इतने महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इतने बच्चे गुम गए हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट यही है कि 2 साल में लगभग 5000 बच्चे यहाँ से गायब हैं, और रिकवरी रेट कितनी है? केवल 14%। तो कहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे? और खुद अपने मंत्री जो है, खुद आपके एमपी जो है, खुद आपके एमएलए जो है, केस में फंसे हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, तो किस बात की, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? मैम, यहाँ पे कांग्रेस एलिगेशन आरोप लगा रहा है कि बीजेपी टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, यह बात अभी लोगों से पहुंचा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी बीजेडी के भीतर जो अगर आप असेंबली पे एक बार दौरा करोगे, तो उनका जो भीष्म पितामह है असेंबली का, नाम नरसिंह मिश्रा जी है। जब परी की हत्या हुई थी और बीजेपी ने यही मांगा कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, तब उन्होंने यही मांगा बीजेपी कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, तो जब से कांग्रेस पार्टी बोल दी कि सिट ठीक है, सिट का आह्वान करते हैं हम, और ये कौन बोले? वहां के जो अभी मैं कह रही थी नरसिंह जी, वही खुद बोले थे ये बात, और ये बोले कि दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन। पर जब भारतीय जनता पार्टी एजिटेशन करके ये बताई कि सिट को कोई लीगल पावर्स नहीं है, तो वही नरसिंह जी अब बाहर आके कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है, बीजेपी ने ठीक कहा, अब नवीन बाबू को इस पे ध्यान देना है कि किसी एक को जिसको लीगल पावर्स है उनको लेके आना है। तो हम आप ही सोच के समझिए ना, कौन किससे मिला हुआ है। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर आके कहते हैं कि हमारे नेता लोग बीजेपी। आपण देखुले जे राज्य बीजेपी सांबादिक सम्मेलन राज्य प्रभारी डी पुरेन्देश्वरी सांबादिक सम्मेलन में सामिल होते हैं, से पूरा राज्य सरकार बर्षि परी को न्याय देवा प्रसंग उठाई, एमती कि राज्य सरकार के योजना लोकों पाखे आनी से कौन विफलता देखादी ताकूरा सरकार को समालाचना करतमान जावा सीधासल नजर पकड़ा जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी FICCI वार्षिक समावर्तन उत्सव में संबोधन देखते 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को समर्पित है, जो हर स्तर पर देशवासियों को आगे लेने के लिए काम कर रही है। भारत में आज हर क्षेत्र में हर स्टेक होल्डर की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। इसी सोच के साथ मैन्युफैक्चरिंग से एमएसएमई तक, एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, टेक इंडस्ट्री से टैक्सेशन तक, रियल एस्टेट से रेगुलेटरी ईजिंग तक चौतरफा रिफॉर्म किए गए हैं। आज भारत में कॉरपोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव है। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहां फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की सुविधा है। इंस्पेक्टर राज और टैक्स टेररिज्म के दौर के पीछे छोड़कर भारत अपने देश के उद्यमियों के सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। माइनिंग हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, ज्यादातर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए, भारतीय टैलेंट के लिए, कंपटीशन के लिए आज अवसरों की, एक प्रकार से अनगिनत अवसरों की एक परंपरा खड़ी कर दी है। देश में लॉजिस्टिक को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी में
जब एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसका सीधा प्रभाव दूसरे सेक्टरों पर भी होता है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री से दूसरे के बीच में बेवजह की दीवारें खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? तब कोई इंडस्ट्री उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी जितनी कि उसमें ताकत है, जिसका तो करना चाहिए। एक इंडस्ट्री किसी तरह ग्रो भी करेगी तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर भी कभी नहीं पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स में इस दीवार ने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है, सामान्य मानवीय का नुकसान किया है। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है उस किसान का भला होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेज चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। साथियों, बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए कैसे एक प्लान और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ रिफॉर्म किए गए हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के करोड़ों लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस्ट इंक्लूसिव देशों में शामिल हो गए हैं। आप भी इस बात के गवाह रहे हैं कि तमाम अवरोधों को दूर करते हुए भारत में किस तरह आधार को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। हमने अनबैंक को बैंकों से जोड़ा, सस्ता मोबाइल डेटा, सस्ते फोन उपलब्ध कराकर गरीब से गरीब को कनेक्ट किया, तब जाकर जनधन खाते, आधार और मोबाइल JAM की ट्रिनिटी देश को प्राप्त हुई। साथियों, आज दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम देश में काम कर रहा है, DBT देश में काम कर रहा है। अभी आपने भी एक इंटरनेशनल जर्नल की वो रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें भारत में बनाई गई इस व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कोरोना के समय में जब अनेक देशों को अपने नागरिकों तक सीधे पैसे भेजने में दिक्कत आ रही थी, वो चेक और डाक विभाग पर निर्भर थे, भारत सिर्फ एक क्लिक कर से हजारों करोड़ रुपए कोटि कोटि नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर रहा था पल भर में। वो भी जब बैंक बंद थे, देश में लॉकडाउन था,
अंतर्राष्ट्रीय जगत के बड़े बड़े जानकार अब ये कह रहे हैं कि भारत के इस मॉडल से दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए। ये पढ़कर, ये सुनकर किसे गर्व नहीं होगा? साथियों, एक समय था जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि अशिक्षा और गरीबी भरे माहौल में भारत कैसे टेक्नोलॉजी को अपने सामान्य नागरिकों तक पहुंच पाएगा। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया और बहुत सफलता के साथ करके दिखाया है, दिखाता रहेगा। आज अकेले यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ही हर महीने करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, और हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज गांव देहांत में भी छोटे छोटे रेहड़ी ठेलों पर भी आज डिजिटल पेमेंट संभव हो रहा है। भारत के उद्योग जगत को, देश की इस ताकत को समझते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हम जैसा गांव और छोटे शहरों का माहौल टीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं, उससे इनके बारे में एक अलग धारणा बनना स्वाभाविक है। शहरों और गांवों के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी पर्सपेक्टिव को लेकर रही है। कुछ लोगों के लिए गांव का मतलब ऐसी जगह रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो, जहां बहुत कम सुविधाएं हो, बहुत कम विकास हुआ हो, पिछड़ापन ही पिछड़ापन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे तो आपको एकदम अलग दृश्य मिलेगा, एक नई आशा, नया विश्वास आपको नजर आएगा। आज का ग्रामीण भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे टीयर 2 टीयर 3 शहरों में हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश की लगभग 98% बस्तियां सड़कों से जुड़ चुकी हैं। कहने का मतलब ये कि गांव के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं। गांव में रहने वालों की आकांक्षा बढ़ रही है, वो सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी चाहते हैं। सरकार अपनी तरफ से इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है। अब जैसे हाल में लॉन्च की गई पीएम वाणी योजना,